Hello students, I welcome all of you to our छोटा सा बट प्यारा सा चैनल विद्या ई ट्यूटोरियल्स। सो आप सब लोग अभी फिलहाल अपनी स्क्रीन पर एक साइंटिस्ट की फोटो देख पा रहे होंगे जिन्हें आप सभी शायद जानते होंगे। उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे पढ़ने के लिए जिन्हें हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। वो तीनों लॉज ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए काम आते हैं। अब यही सब हमें इसके बारे में पढ़ना है, इसीलिए हमने आज टॉपिक उठाया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमें ये टॉपिक पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन in a straight line with the uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. Definition बहुत अच्छी है, याद भी हो जाएगी, बहुत easily याद हो जाएगी, लेकिन सिर्फ समझने के बाद। जब तक आपको ये definition समझ में नहीं आती तो याद करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं है मेरे हिसाब से। So हम सबसे पहले definition समझ लेते हैं। Definition का मतलब क्या है? Newton's first law of motion कहना क्या चाहता है हमें exactly पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने वाली है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते हो एक्सटर्नली, मतलब बाहर से कोई भी उसके ऊपर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो पक्का वो रेस्ट पर ही रहेगी। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाली, बिल्कुल भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होने वाली। फाइन, और अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें, अगर हम इसको दो पार्ट्स में तोड़कर पढ़ना चाहें, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट बोला कि बॉडी रेस्ट पर है, नेक्स्ट पार्ट हम बोल देते हैं कि बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो वो स्टॉप नहीं हो सकती। जब तक स्टॉप नहीं होगी तब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे उसको स्टॉप करने के लिए। जैसे कि दोनों के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, अपनी तरफ से एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा थोड़ा सा। और कुछ एग्जांपल्स हम इसके बाद में भी देखेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल ये है, जैसे आपने फुटबॉल रख दी ज़मीन के ऊपर, आप भागते हुए आ रहे हो बहुत तेज़, आपने सोचा कि इसको किक मार के उड़ा ही दूंगा आज। ठीक है, आपने मारी किक और बॉल बहुत दूर उड़ते हुए जाएगी। ठीक है, बॉल उड़ी, बॉल ने अपनी पोजीशन चेंज की जस्ट बिकॉज आपने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। जब तक आपने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था तब तक वो बॉल अपनी स्टेशनरी पोजीशन पर ही थी, वो रेस्ट में ही बैठी हुई थी, है ना। तो दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर कोई बॉडी मोशन में है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा स्केटबोर्ड चला रहा है और स्केटबोर्ड चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, बच्चा रुक ही नहीं रहा बिल्कुल। बच्चा सिर्फ तब रुकेगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उसको रोकने के लिए, है ना। तो बच्चा इसीलिए नहीं रुका था क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, बच्चा अपने आप रुक जाता है विद स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड के साथ ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा नया टॉपिक एंटर कर जाता है जिसका नाम है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या चीज़ है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होता है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तो बॉडी मोशन में थी और वो अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था उसके मोशन को रोकने के लिए। अब बॉडी का मोशन रुक गया जस्ट बिकॉज उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन नाम का अप्लाई हो चुका था, वरना वो बॉडी कभी रुक नहीं पाती। और अब हम इसके बारे में एक नया पॉइंट देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समटाइम्स कॉल्ड एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियो भी बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी अपना एक लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। अब इनर्शिया भी बहुत अच्छा खासा टॉपिक है जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहेंगे बिल्कुल आपके लिए, और बहुत अच्छी सी वीडियो बनेगी। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको वो नई वाली वीडियो भी पसंद आएगी। हम जल्दी ही ट्राई करेंगे कि उसको भी अपलोड करें। ठीक है, सो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी लगभग सेम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जैसा ही है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको ये वाला लॉ और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए हम कहेंगे प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब बिना किसी बातचीत के हम चलते हैं आगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। फाइन, चलिए चलते हैं। जैसे इस बॉल के ऊपर देखो आप, ये बॉल टेबल के ऊपर रखी हुई है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा अभी, तो ये बॉल स्टेशनरी पोजीशन में है, बिल्कुल रेस्ट पर है। अगर इस बॉडी के ऊपर, मतलब इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा? बॉडी डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगी, है ना।
बिल्कुल बॉडी डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर देगी। देखते हैं कैसे डिस्प्लेस करना स्टार्ट करती है। हमने इसके ऊपर देखो लेफ्ट साइड से फोर्स लगाया, देन राइट साइड से फोर्स लगाया। जब जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हुआ, तब तब इस बॉडी ने मोशन करना स्टार्ट किया, है ना। अगर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होता तो ये बॉडी मूव करना स्टार्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, जैसा कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, है ना। दोबारा से आप देख लीजिए इस वीडियो को एक बार, आई होप आपको पसंद आएगी। और दो तीन एग्जांपल्स और देख लेते हैं इसके ऊपर थोड़े से। जैसे कि अब आप इस वाली वीडियो के अंदर, ये जो लेफ्ट साइड में वीडियो है, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि एक कार है जो स्टॉप हो गई है फील्ड में, मतलब ट्रैक पर स्टॉप हो चुकी है। अब उसको चलाने के लिए इन लोगों को कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर ये कार ऐसे ही रहे स्टेशनरी पोजीशन में, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो पक्का ये कार मूव नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं मूव करेगी। इसीलिए ये काफी सारे लोग आते हैं इसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, देन ये मूव करना स्टार्ट करती है, वरना तो ये मूव बिल्कुल भी नहीं करती, है ना। सो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेते हैं कि अब एक कार है वो बर्फ वाले एरिया में है, वो फिसलती हुई आ रही है नीचे। कुछ इंसान उनको, मतलब कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब रोकने की कोशिश करेंगे तो सही, फोर्स तो लगाएंगे, लेकिन वो रुक नहीं पाएगी। मुझे एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिल पाई इसके बारे में, लेकिन यही वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी है फिलहाल, क्योंकि चलती हुई बॉडी मोशन में है, है ना। उसको रोकने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ना, ये कुछ लोग वही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हुए आपको नजर आएंगे वीडियो के अंदर, बिल्कुल। तो आप ये वीडियो देखिए, इसके अंदर कुछ लोग इस कार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रुक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि कार का वेट बहुत ज़्यादा है, ज़मीन पर फ्रिक्शन बहुत कम है बर्फ़ के कारण, जिसकी वजह से कार फिसलती हुई जा रही है। और पहाड़ों पे थोड़ा ढलान रहती है, स्लोप रहता है, उसकी वजह से भी कार अपने आप नीचे की तरफ भाग रही है, है ना। सो फोर्स अगर इतना ज़्यादा अप्लाई होता कि कार के भागने के फोर्स से ज़्यादा होता वो फोर्स, तो पक्का कार रुक जाती। लेकिन फिलहाल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो काफ़ी कम है विद इन कंपैरिजन विद द कार, है ना। कार के वेट से बहुत कम लग रहा है वो फोर्स, सो कार तो मूव करती रहेगी, कार रुकेगी नहीं बिल्कुल भी, है ना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। विद्या ट्यूटोरियल्स आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप दोबारा आए हमारे चैनल पर, नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। गुड नाइट, बाय बाय।